पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस जो है कोरोना के बाद लगातार लोगों के जो मस्तिष्क में है वो अटैक कर रहा है और साइनस के थ्रू, नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू जो है वो लोगों में जा रहा है। कहीं ना कहीं कोरोना के बाद लगातार जो ब्लैक फंगस बीमारी आई है वो कहीं ना कहीं मेंटली लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुरभि दुबे हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे किस तरह लोगों में इस तरह की जो मेंटल प्रॉब्लम है वो इससे आ रहे हैं। सबसे पहले मैम ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम, पहले कोरोना आया, उसके बाद ब्लैक फंगस, अब है लगातार एक न एक बीमारी आते जा रही है, लोगों के दिमाग में किस तरह का असर पड़ रहा है इससे? देखिए, ब्लैक फंगस इतना कॉमन नहीं है जितना हम अज्यूम कर रहे हैं, है ना, और हर किसी पेशेंट को हो रहा है ऐसा भी नहीं है। प्रीडिस्पोज्ड पेशेंट्स जो हैं, या तो वो पहले से कोमॉर्बिडिटीज़ थी, डायबिटिक थे, मेडिसिन चल रही हैं, या जिनको हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स चला है, उसमें भी हर किसी को नहीं है, कुछ चुनिंदा पेशेंट्स को ये ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जिसको हम बोलते हैं वो हो रहा है। पर इसमें हम ध्यान रखें कि हर पेशेंट को नहीं हो रहा है। ये मानसिक किस तरह से तनाव पैदा कर रहा है, पहले ही हम एक भयभीत चल रहे हैं, अपने आप को बचा कर चल रहे हैं। एज अ पब्लिक अब आप देखेंगे बहुत सजग हो गए हैं, बिना मास्क के भी कई जो है हमें नहीं दिखते रोड पे लोग। पर एक के बाद एक बीमारियां आने से लोग बहुत विजिलेंट हो गए हैं, छोटी छोटी बातों में डर जाना, भयभीत हो जाना, एक्स्ट्रा साफ सफाई रखना, ये बुरी बात नहीं है, पर इतना ज़्यादा साफ सफाई की लेवल पहुंच जाते हैं, हाथ धोना, कपड़े धोना, ये मत छुओ, वो मत छुओ, और ये थोड़ा ऑब्सेशन जैसी लेवल पे पहुंच जा रहा है। मैम, बुज़ुर्गों में क्योंकि कोरोना पहले लहर में है, बुज़ुर्गों में ज़्यादा क्या किया था, अभी भी लगातार जो है बुज़ुर्ग इसके ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, वहीं अब जो है ये ब्लैक फंगस आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो बुज़ुर्ग होते हैं वैसे भी मेंटली वो थोड़ा वीक होते हैं, पहले ही कोरोना से डरे हुए हैं, अब ये ब्लैक फंगस आ गया है, तो बुज़ुर्गों पे जो मानसिक तनाव है वो कितना इससे प्रभावित है? बुज़ुर्ग जो है वो थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाते हैं, उनका एक अलग दिनचर्या चलता है, और उसमें आजकल जैसा हम देख रहे हैं घर में मूवमेंट्स कम हो गई है, कई लोगों के, बुज़ुर्गों के बच्चे दूसरे शहरों में हैं, वो यहाँ हैं, अकेले हैं, दूसरों पर निर्भर हैं, और आजकल कोरोना के जो काल में है लोग बहुत अच्छे हैं। हिंदुस्तान की सोसाइटी ऐसी है कि हम बहुत हेल्प एक्सटेंड करते हैं, उसको एक पुण्य का काम भी मानते हैं, कल्चरली हमारे यहाँ पर है। पर इसमें एक हम देख रहे हैं कि लोग अब ज़्यादा सेल्फिश जैसा बिहेवियर आ गया है कि भाई अपना देखो। एक तो हर फैमिली में आप देखेंगे सेकेंड वेव में किसी ना किसी परिचित की डेथ हुई है, कोई ना कोई जान पहचान वाला गया है, इससे एक हतोत्साहित हो गए हैं सब लोग। दूसरा जो है बुज़ुर्ग पॉपुलेशन जो है, जो पहले से ही थोड़ा सा रेक्लूसिव है, अलग अलग रह रहे हैं, उनमें लगातार कोई ना कोई बीमारियों का सुनना या होना, ये उनमें बहुत एक मेंटल स्ट्रेन और स्ट्रेस का कारण बन रहा है। जल्दी उनमें जो नींद की कमी आना, डर जाना या बुरे सपने आना, ये हम देखने को हमें आगे मिल रहा है। इस स्ट्रेस के कारण बीपी शुगर में बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशंस, ये भी देखने को मिल रहा है। सांस लेने में तकलीफ़ होने लगना, क्योंकि एंजाइटी होने लगती है, ये देखने को मिल रहा है। कई बुज़ुर्ग हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगाया तो इतना पल्स था और अब थोड़ी देर में इतना, तो वो एक दो डिग्री फ्लक्चुएशन में भी ऑक्सीजन सेचुरेशन के वो घबरा जाते हैं कि कहीं हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों में जो टॉलरेंस है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। दूसरा, एक ग्रीविंग पीरियड जो है उससे उभर नहीं पा रहे हैं कि एक किसी डेथ से हम उभरे हैं और पता चला कि दूसरा किसी परिचित की डेथ हो गई है, तो वो एक जो पीरियड है कि आप 2-4 महीना शांति से जी लें, वो एक समय नहीं मिल पा रहा है, एडजस्टमेंट का फेज नहीं आ पा रहा है। मैम, लगातार जो बच्चे उनके बाहर रहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे में उनके मानसिक तौर पे असर भी पड़ता है कि कहीं ना कहीं एक सुसाइड के एक सोच भी पनपने लगती है ऐसे समय में लोगों के मन में, किस तरह से बचा जाए, किस तरह से उभरा जाए?
देखिए हमारी जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी है प्लस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर टेली कंसल्टेशन की सर्विसेज शुरू करी हैं। मेडिकल कॉलेज रायपुर में डेली टेली कंसल्टेशन होता है, सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं। आप मेंटल हेल्थ सर्विसेज का साथ साथ में रेस्पिरेटरी मेडिसिन, स्किन, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, सारी सब स्पेशलिटी मेडिसिन, हर विभाग की स्पेशलिटी के डॉक्टर्स, आपको सीनियर डॉक्टर्स मिलेंगे जो टेली मेडिसिन के थ्रू आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इस तरह का मानसिक अवसाद का या घबराहट, बेचैनी का, एंग्जाइटी का लक्षण नज़र आ रहा है, जैसे कि थोड़ी सी आवाज़ में डर जाना, घबराहट महसूस करना, छाती में धड़कन तेज़ हो जाना, या हर चीज़ में डर जाना, हाइपर विजिलेंट रहना कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, फ़ोन की घंटी बजे और आपकी धड़कन तेज़ हो जाए, या किचन में ही कुछ गिर जाए और आपकी धड़कन तेज़ हो जाए ऐसा, या अचानक से पसीना छूटना, हाथ में पसीना आना, नींद में कमी आना, चक्कर जैसा फील होना पर चक्कर नहीं आना, ऐसा आँखों के सामने कालापन छा जाना, अगर ये सब में से कुछ भी लक्षण है, या मन में दुख निरंतर रूप से बने रहना और 2 हफ्ते के ऊपर तक बना है दुख आपके मन में, किसी भी चीज़ में कोई उत्साहहीन महसूस करना, अपने आप में कम महसूस करना, जो काम आप पहले अच्छे से कर पा रहे थे उसी काम को अब आप सही ढंग से नहीं कर पा रहे, या आप कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर रहे हैं, या दिमाग में सुसाइड का आइडिया आना या सुसाइड करने की कोशिश करना, अगर इनमें से कुछ भी लक्षण है तो आप अपने मनोरोग चिकित्सक से संपर्क करें, या ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने अवेलेबल कराई है उसका लाभ लें और ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। लगातार जो है वो प्रदेश में या देश में कोरोना के बाद जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो भी लगातार आ रहे हैं, जिससे कई लोगों के मानसिक तौर पर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है कि पहले कोरोना आया, उसका ब्लैक फंगस आया, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक घर कर जाता है कि लगातार बीमारियों का दौर चल रहा है, जिससे उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसे समय में ज़रूरत है कि लोग पैनिक ना हो, किसी भी तरह के कोई भी अगर अवसाद लग रहा है या मन विचलित हो रहा है तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। अभिषेक कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।